हेलो फ्रेंड्स आई एम मनोज कुमार वेलकम टू माय चैनल बेसिकली इन द लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस रिगार्डिंग हाउ टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर टेबल इन द फ्यूजन क्लाउड ईआरपी कैसे जानेंगे कौन सी टेबल थी तो सीधे सीधे औरेकल पे इजीली फाइंड करेंगे इनको दोस्तों सब्जेक्ट सब्जेक्ट एरियाज भी आप बोल सकते हो कि मेरे को सब्जेक्ट एरिया पता है कि मुझे पेबल्स 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 में 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 जाना 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 है है या पेबल्स में सप्लायर पे जाना है इनको हम सब्जेक्ट एरिया भी बोलते हैं कुछ कुछ टर्म दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखनी है अपने दिमाग में जिनके बारे में हम आगे जरूर बात करेंगे सब्जेक्ट एरिया में बार बार यूज कर रहा हूं आपको इस टर्म को बस याद रखना है क्योंकि आगे के वीडियोस में ये टर्म आपको काफी हेल्पफुल होने वाली है और टेबल्स हमने यहाँ पे जान ली कि कौन कौन सी टेबल कैसे कैसे कहाँ से फाइंड आउट की जाती है और किस तरीके से उन टेबल्स की डिटेलिंग और इन्फॉर्मेशन यहाँ से ग्रैप की जाती है आज के वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि पुराने ई के अंदर अगर आर ट्वेल्व की बात करूं तो मेरा फ्रंट एंड विंडो कुछ इस तरीके का होता था कि मेरे पास वहां पे चीज़ों की इन्फॉर्मेशन निकालने का तरीके मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट होते थे एग्जामिन के थ्रू मैं निकाल सकता था हिस्ट्री के थ्रू निकाल सकता था जब वो चीजें निकल जाया करती थी तो एडिटर के पास क्योंकि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चला करके डेटा निकाल सकता था और अपना एक्शन परफॉर्म कर सकता था बट फ्यूजन की बात करूं फ्यूजन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता तो कहां पर क्वेरी रन करेंगे किस तरीके से डेटा को फेच करेंगे किस तरीके से डेटा को देखेंगे किस टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स होते हैं किस तरीके से अपनी क्वेरी लिखेंगे कहाँ लिखेंगे आज के वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों केवल और केवल इतनी सी बात कि फ्यूजन के अंदर हम किस जगह पे जाकर के अपनी कोई भी पर्टिकुलर क्वेरी जो है जो हम पहले किसी एक एडिटर पे सीक्वल डेवलपर पे या टोड पे किसी पे भी जाकर के रन कर लिया करते थे अब फ्यूजन में कैसे उसको करेंगे तो चलते हैं दोस्तों सेम क्वेरी देखिए जो क्वेरी यहाँ रन हो रही है सेम क्वेरी मैं यहाँ पर क्योंकि वहां की आईडी अलग होगी यहाँ की आईडी अलग है दोस्तों मैं इसी क्वेरी को फ्यूजन पे रन करके आपको दिखाता हूँ किसी भी क्वेरी को जो टेबल्स मेरी कॉमन है फ्यूजन के अंदर और पुराने ई के अंदर उनको तो आप इजीली रन कर लोगे बट कुछ एक टेबल नहीं बल्कि बहुत सारी टेबल्स के नेम और स्ट्रक्चर फ्यूजन में पूरी तरह से चेंज है तो उसके लिए आपको हेल्प लेनी है किसकी और डॉक डॉट ऑरिकल डॉट कॉम की हेल्प लेनी है कि कि किस क्या कॉलम से, आपको यहां से निकाल लेना है। ठीक है ऑलरेडी मेरा लॉग है फ्यूजन यहाँ पे तो मुझे लॉग करने की जरूरत नहीं पड़ी तो लॉग करने के बाद सबसे पहले जाते हैं दोस्तों हम कहां पे, टूल्स पे। तो टूल्स पे सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ जैसे ही टूल्स पे क्लिक करता हूं मेरे सामने आया था रिपोर्ट एंड एनालिसिस का एक और टैब सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूं एक विंडो आपके सामने खुलेगी दोस्तों और विंडो पर लिखा होगा ब्राउज कैटलॉग अभी इस वाले पॉइंट को आपको बहुत ध्यान से समझना है ब्राउज कैटलॉग आगे की वीडियो में आपके सामने बहुत बार आने वाला है यहां पर दो चीजें दिखाई देंगी रिपोर्ट एंड एनालिसिस ये भी आपके सामने दोस्तों बार बार आने वाली है तो जैसे ही मैं कैटलॉग में क्लिक करते देखिए दोस्तों मेरे सामने एक नई विंडो खुलती है और इस विंडो में लेफ्ट हैंड साइड में दो फोल्डर आपको दिखाई देते हैं माय फोल्डर और शेयर्ड फोल्डर तो इन दोनों फोल्डर्स की बात हम बिल्कुल बाद में करेंगे आज के वीडियो में बस यही बात करने वाले हैं कि कहीं पर भी कोई क्वेरी लिख करके किस तरीके से रन कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि वो क्वेरी हमें सेव करनी है या आगे के लिए उसको यूज करना है तो कैसे करेंगे सबसे पहले जाएंगे देखिए दोस्तों यहाँ पे न्यू पर न्यू पर जाएंगे न्यू पर आपको दिखाई देगा डेटा मॉडल आप डेटा मॉडल पर सिंपली क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद एक आपके सामने विंडो यहां पे खुल जाएगी देखिए दोस्तों अगर आपको इस विंडो को थोड़ा बहुत याद आता हो कि आपके पास पहले एक टूल हुआ करता था रिपोर्ट बिल्डर मैं आपको उसके पिक्चर भी दिखाता हूं ये देखिए दोस्तों यही मेरा रिपोर्ट बिल्डर हुआ करता था तो रिपोर्ट बिल्डर के अंदर डेटा मॉडल की एक विंडो होती थी जैसे मैं यहां डबल क्लिक करता था एक फर्दर विंडो यहां पर खुल जाया करती थी मेरे पास देखिए अब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ता था जो सीक्वल लिखा रहता था इस सीक्वल पे क्लिक करके मैं यहाँ पे जैसे ही कोई ब्लॉक बनाता था कोई डेटा मॉडल बनाता था फॉर एग्जाम्पल देखिए इसके अंदर मैं वही क्वेरी डालूंगा जो मैंने पहले भी यूज़ करी है कौन सी क्वेरी है ये क्वेरी है जैसे ही ये क्वेरी डालता हूँ ये यहाँ पर ओह टी एन एस एंट्री मांग रहे हैं चलिए हम ये बाद में देखें जैसे ही मैं ये करता था पीछे मेरा यहाँ पर एक ये डेटा मॉडल बन के रेडी हो जाता विद दीस फोर फाइव सिक्स कॉलम जो मैंने अपनी क्वेरी में यूज़ किए बिल्कुल उसी तरीके से देखिए यहीं का को, यहीं का थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट जो है रिपोर्ट बिल्डर का कंसेप्ट फ्यूजन में लेके आए लोग जो फ्रंट एंड विंडो आपको दिख रही है यहां पर डायग्राम जो दिख रहा है देखिए इस पर जैसे प्लस करता हूं और यहां पर देखिए वही सीक्वल वाली विंडो मुझे दिखते सीक्वल मैंने किया सीक्वल में जाके सबसे पहले अपना कोई भी नाम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर कुछ भी देने वाला हूं कि भाई ये मेरा कुछ भी एसक्यूएल क्वेरी मैं ऐसा लिख रहा हूँ इसके बाद यहां पर देता हूँ मैं अपना पर्टिकुलर वो अपना मॉड्यूल यहाँ पे मॉड्यूल एक्चुअली वो मॉड्यूल नहीं है आपको समझना है कि एस का पूरा फाइनेंस और एस का एक पूरा पूरा, पूरा बंडल है एस का एक है सी का एक है और ये वी आई डबल ई क्या यह भी मैं आपको डिटेल में जरूर बताऊंगा बट हम क्योंकि किसकी किस बात कर रहे हैं पेबल्स की बात कर रहे हैं रिसेबल्स की बात कर रहे हैं एसेट की फाइनेंस की तो ये सारा का सारा मेरा आता है किसमें इसमें डी बी एफ एस सी एम के अंदर तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं सिंपली वही क्वेरी जो क्वेरी मैंने उधर लिखी थी उसी क्वेरी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं फ्यूजन के अंदर तो आपको एटलीस्ट क्वेरी रन करने से पहले क्वेरी लिखनी आपको बखूबी आनी चाहिए मैं इसको ओके okay करता हूँ जैसे ही okay ओके करता हूँ जो कॉलम्स मैंने वहां लिए थे जैसा मेरा रिपोर्ट बिल्डर के अंदर यहाँ पे एक ब्लॉक बन जाता है पीछे उन कॉलम्स के साथ बिल्कुल उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे भी देखिए उन कॉलम्स के साथ एक डेटा ब्लॉक मेरा बन गया आपको जितने नंबर ऑफ टाइम्स इसको एडिट करना है आप जा सकते हैं कोई कॉलम हटाना चाहें लगाना चाहें कोई वेयर कंडीशन पुट करना चाहें आप कर सकते हैं उसके बाद क्योंकि हमें क्वेरी रन करके देखना है फर्दर आगे कोई स्टेप नहीं लेना है तो उसके लिए क्या करना है आपको जाना है यहाँ पर व्यू डेटा पर जैसे ही व्यू डेटा पर क्लिक करेंगे व्यू डेटा पर लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर एक विंडो है रोज का आपको सबसे पहले ये चूज करना है कि आपको फ्रंट में कितने नंबर ऑफ रोज देखनी है यहाँ पर 200 से ज़्यादा रोज आप एक बार में नहीं देख सकते हैं तो मैं 100 लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल या हंड्रेड छोड़िए मैं 50 लगा देता हूँ 50 रोज मुझे देखनी है मैं इसको ओके करता हूँ व्यू करूँगा तो मुझे वो डेटा दिख जाएगा डेटा दिखने के भी दो तरीके हैं एक ट्री फॉर्म में आप डेटा देख सकते हो एक टेबल फॉर्म में डेटा सकते हो तो ट्री फॉर्म में बड़ा इलॉजिकल सा लगता है क्योंकि किसी को भी हमें इन्फॉर्मेटिक डेटा दे नहीं सकते तो हमें क्योंकि डेटा देखना ही है तो मैंने व्यू टेबल वाले पे किया और टेबल वाले पे देखिए मुझे इस तरीके की इन्फॉर्मेशन ही सामने दिख गई क्योंकि ये बी पब्लिशर का ही एक छोटा सा टूल है जहां पे मैं रिपोर्ट या जो भी कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूं या क्वेरी चला करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ये बी का ही बी जो पब्लिशर से मेरी रिपोर्ट्स बनती है उसी का ये फर्स्ट पार्ट है तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेरी जो क्वेरी आपके दिमाग में आए उस क्वेरी को यहाँ पे डाल सकते हो डालने के बाद में देखिए फॉर एग्जाम्पल कोई वेयर क्लॉज ही मुझे पुट करना है फॉर एग्जाम्पल मुझे यही डालना है कि आई आईडी जिसका ये हो बस मुझे वो ही दिखाई दे आप डायग्राम में जाएंगे इस डेटा मॉडल पे क्लिक करेंगे एडिट पे जाएंगे वेयर कंडीशन लिखेंगे पुट कर देंगे अपनी वो वाली इनवाइस आईडी जो आप वहां से कॉपी करके लाए ओके कर देते हैं ओके करने के बाद देखते हैं कोई एरर नहीं आया इसका मतलब क्वेरी मेरी ठीक है यहां यहां पे आप वेलडेट भी कर सकते हैं आपको इजीली पता लग जाएगा कि आपकी क्वेरी ठीक है कि नहीं है किस तरीके की प्रॉब्लम है मेजरली आपको जो ये वार्निंग्स आती है इनको इग्नोर कर देना चाहिए वार्निंग्स का कोई इशू नहीं है बट एरर कोई नहीं होना चाहिए यहाँ पे सिंपली क्योंकि अभी मैंने एक ही आईडी हार्ड कोड की है मैं व्यू करूंगा तो सिंपली मुझे वही दिख जाएगा टेबुलर करूंगा तो टेबल की फॉर्म में दिख जाएगा अब ये तो डेटा देखने की बात हुई डेटा कैसे देखते हैं आगे की वीडियोज में दोस्तों हम ये जरूर देखेंगे कि किस तरीके से इस दिखने वाले डेटा को किसी एक्सेल के थ्रू कैसे एक्सपोर्ट करेंगे कैसे इम्पोर्ट करेंगे यहां एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करते ही आपकी एक्सेल डाउनलोड हो जाएगी एक्सपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो दोस्तों जो डेटा आपको दिख रहा है इस डेटा की एक्स एक फाइल जो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी सो तो दोस्तों आज हमने देखा कि किस तरीके से फ्यूजन पर अपनी कोई भी क्वेरी जो है वो कैसे चला सकते हैं तो आगे की वीडियोस तो आपको लगातार देखते रहना है अगर आपको इसी तरीके से सिंप्लीफाई तरीके से फ्यूजन को समझना है तो हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और नई नई चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे के सेशंस में हम रिपोर्ट्स के बारे में इन डिटेल जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच एक बात और मेरी इस मुहिम को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा थैंक यू सो मच